तो बस ये पहुंच गया मैं लोहू मार्केट, लोहू कमर्शियल सेंटर है, एकदम हांगकांग बॉर्डर के पास में है ये। और बस यहाँ से आपको हांगकांग वगैरह के लिए बस ट्रेन वगैरह मिल जाएगी। और चाइना का मतलब ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद इमिग्रेशन शुरू हो जाता है। क्या फिलहाल मैं हांगकांग नहीं जा रहा हूँ, मैं आया हूँ सबसे बड़े इस एरिया के मार्केट लोहू मार्केट के अंदर, पूरा होलसेल मार्केट है। तो आओ चलो चलते हैं लोहू मार्केट। ये है पूरा लोहू मार्केट का एंट्रेंस, पूरा होलसेल मार्केट है और सब चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। एक्चुअली आज संडे भी है और थोड़ा मैं जल्दी भी आ गया तो शायद पूरा मार्केट खुला नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या है ना, हांगकांग से लोग भी आते हैं अपने सामान बेचने के लिए और जो चाइना साइड के हैं वो भी आते हैं, तो कुल मिला के यहाँ एक अच्छा रश होता है। मैं पहुँच गया हूँ हांगकांग बॉर्डर, लोगों की कमर्शियल सिटी बहुत शानदार है यार और बहुत बड़ा है। बस देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। हाय, हेलो, व्हाट ब्लूटूथ, नो आई हैव इंग्लिश ओनली, नो प्रॉब्लम। वाह, वाला नहीं, मोबाइल फोन phone yeah okay what my phone how much yeah really cheap just can you show me yeah this one yeah. for here ये 320 RMB का, 320 इंटू जो है यहाँ पे 3800 रुपये का। रियली नाइस, वेरी नाइस, इज गुड, वेरी गुड। सो सिम कार्ड, सिम का इंसर्ट, सिम टू सिम, ओ टू सिम का, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Yeah, this white color. White color, yeah. This is it, man. दो सिम कार्ड लग जाएंगे इसके अंदर। और सो व्हाट्स द फाइनल, या हाउ मच, वन टू नो 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 टू दिस नो वन वन दिस वन मान लिया मैं ना, ओके ला ओके ला करते करते 180 RMB तक आ गया। बस यार जो भी लोन है सब चेक करके लेना, फिर शंजन इस चीज़ के मामले में बड़ा बंदा हमें डुप्लीकेट देता ही लेकिन बाद में पड़ जाता है, तो चेक कर लेना। बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे,
यहाँ पर आपको कपड़े, बैग, चश्मे, जो मसाज का सामान है वो, कुछ जेम स्टोन्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल ये बहुत बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट है। अगर आप क्वांटिटी में बाइंग करेंगे तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। इनके चाइनीज ड्रेसेस हैं, 3,000 से 3,500 से शुरू थी ये। तो कपड़े वगैरह भी अच्छे हैं, मैं कपड़े वगैरह मैंने काफ़ी देखे हैं, काफ़ी सुने हैं। तो लोग चाइना जो शेंजन से लोग शॉपिंग करने आते हैं यहाँ पे भी। कुछ आज जल्दी है, कुछ मार्केट बंद है, शायद संडे है, इसकी वजह से पूरा खुला नहीं है। पूरा ये 4 फ्लोर का मार्केट है। ये देखो नीचे से यहाँ का नज़ारा, ये मार्केट पूरा खचाखच रहता है। हांगकांग से भी लोग आते हैं, चाइना से भी लोग आते हैं, ख़रीदने भी आते हैं और बेचने भी आते हैं। तो दोनों साइड का क्राउड यहाँ पे रहता है। यहाँ को बहुत अच्छी वैरायटी की ग्रीन टी और टाइगर बाम जो बहुत फेमस है हेडेक वगैरह के लिए, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक आइटम्स आपको यहाँ बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे, जैसे देखा था मोबाइल आपने मैंने लिया था अभी। ये यहाँ से निकलती है हांगकांग की ट्रेन वगैरह, यहाँ से मिल जाती है हांगकांग के लिए, बॉर्डर से करते हैं। और यहाँ चेक पोस्ट भी है और आपके इमिग्रेशन भी है। ये था भाई लोहू, तो बस ये लोगों के पास में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया मेरे को। भूख भी लग रही थी और काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ का खाना भी नहीं खाया, और डोसा मेरा ऑल द टाइम फेवरेट है पता है आपको, और चाय कमी है अपनी। तो पहुँच गया, चाय मिली यहाँ पर 10 RMB की, इससे सस्ती नहीं मिली यार। और डोसा है यहाँ पर 25 RMB का, तो मैंने एक मसाला डोसा और एक चाय का ऑर्डर दिया है। इससे सस्ता मुझे शेंजन में कुछ भी नहीं मिला और थैंक गॉड ये मुझे मिल गया। अब देखते हैं कैसा है डोसा बनाता है, कैसी क्या चाय। चाय तो ठीक लग रही है, पीने लायक है, डोसा देखते हैं। आओ चलो। ये बहन की आंख, ये कौन सा डोसा है वे? इसने डोसे को उस पर बनाया नॉन स्टिक की तवे पे। ये भाई डोसा है परांठा पता नहीं, पर डोसे की इसने ऐसी तैसी करती बंदे ने, और 25 RMB भी ले लिए यार। सही है, तो डोसे से पेट भरा नहीं तो फिर मैंने आलू परांठा लिया।
यार भाई ये भी इसने मतलब क्या बताऊँ मैं यार, मतलब ठीक है बाकी सारा विचित्र सा मामला है। जैसे रुमाली रोटी के अंदर आलू का मसाला भर के टिका दिया हो ना, वैसे कुछ आलू पराठा बना दिया, यार ये प्रॉब्लम तो रहती है यार। ये है आलू पराठा, डोसा भी आलू पराठा भी ठीक है। मसाला ठीक है, डोसे वाला मसाला ही है। नहीं परदेश में जो मिल जाए मिल लो, रुमाल रोटी तो रुमाल रोटी, रुमाल रोटी के अंदर डोसा का मसाला फिल कर दिया। ये पीले वाला, यहाँ पावर बैंक मिल जाते हैं आपको रेंट पे, ये पावर बैंक स्टेशन है। अगर का पेमेंट का मुझे नहीं पता, ये साउथ कोरिया में मैंने बहुत देखा था, यहाँ पे भी बहुत है। आप आओ, ये बारकोड स्कैन करो, ये पावर बैंक निकल आएगा बाहर, अपना यूज़ करो, फिर स्कैन करो, पैसा कट जाएगा और ये लोग पावर बैंक यहाँ आके वापस इसमें डाल जाते हैं चार्जिंग स्टेशन में। यहाँ यार ये बहुत बड़ा क्रेज़ देखा है मैंने, साउथ कोरिया में भी था और चाइना में मैंने काफ़ी जगह देखा है ये पावर बैंक स्टेशन वाला सीन। अब ये भाई बना रहा है बनाना रोटी। यार ये बनाना रोटी थाईलैंड से निकल कर मतलब चाइना में भी फैल गई, और अब ये बना रहा है, देखते बनाना रोटी बना के खिलाएगा। लेकिन वैसा अब जो बनाना रोटी मैंने थाईलैंड में खाई थी ना, वैसे बनाना रोटी थाईलैंड की ही फेमस है, शानदार थी। यहाँ लगी मैंने ऑर्डर नहीं दिया है, किसी कस्टमर का ऑर्डर था तो मैं आप लोगों के लिए बस वीडियो रिकॉर्ड करने रख गया कैसी बनाना रोटियाँ बनती है। देखने में तो ठीक ही है, बाकी मैंने इसे दो आइटम लिए, इसे दो आइटम का तो बेटा गर्क कर दिया, ये पता नहीं कैसी होगी इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। बस चलते हैं जल्दी, अब जो है भाई मेरा वेट कर रहे हैं, फिर उनके साथ भी खाना खाना चलना है। ये खैर मैंने भी स्नैक्स लिए हैं, तो बस अब मिलेंगे जोहे भाई से और फिर चलते हैं आगे। ये देख लो भैया, 28 आदमी का समोसा ठीक है, और ये अपने सेम दाल रोटी भैया, अपने जबीर भाई जबीर भाई, चलो ये भी 28 आदमी के, ये हाँ लगभग 28।